दोस्तों आज बात करेंगे अपन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। 498 केस में कौन से गवाह ऐसे कौन से विटनेस होते हैं जो आपको झूठा दहेज केस को भी हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अहम रोल होता है जो विटनेस होते हैं दोस्तों, जो आपके 498 केस में गवाह होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके केस में। तो आज उन्हीं जो भी इम्पोर्टेंट गवाही होती है उनकी डिस्कशन करेंगे, उन्हीं टॉपिक पर। महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा दोस्तों, बिना स्क्रिप्ट के पूरा देख लेना जरूर। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास्ट नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्कशन में, जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि कमेंट में आपका रिप्लाई दे नहीं पाता हूं, लेकिन मैं लाइव आता हूं वहां पे आपके जो भी सवाल होते हैं उनको मैं आपको लाइव, आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी पत्नी ने आप पे 498 का केस किया, पुलिस FIR हो गई आपकी, बाद में चार्जशीट बनती है, 161 के बयान होते हैं, विटनेस के बयान होते हैं वहां पे। अहम रोल जो चार्जशीट में होते हैं वह 161 के बयान, विटनेस के बयान होते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस है, स्वतंत्र गवाह है, या फिर आपके इंटरेस्टेड विटनेस है, फैमिली वाले विटनेस, ठीक है। इंटरेस्टेड विटनेस में उसके लड़की वाले होते हैं, लड़की के जो माता पिता हो गए, उसके रिलेटिव हो गए, उनका इतना अहम रोल नहीं होता। अगर एक्सपर्ट एक कोई एडवोकेट होता है तो उनको जल्दी ही खारिज करा देता है इंटरेस्टेड विटनेस को। अगर आपकी डिमांड होगी तो इंटरेस्टेड विटनेस को कैसे खारिज कराए, मतलब लड़की के माता पिता या रिलेटिव के कोई गवाही दे रहा है उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी खारिज करा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, पहले बनाया था स्टार्टिंग में, अगर वो डिमांड होगी तो भी मैं आपकी बना दूंगा। बात आती है अहम रोल इंडिपेंडेंट विटनेस, आपके केस की आपके घर वाले, जैसे आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी हो गया, आपका कोई भाई बंद, आज के लिए भाई बंदी वाले भी बहुत दुश्मनी निकालने के लिए विटनेस बन जाते हैं, पंचायत के कोई नागरिक, आपकी पंचायत में से आपके मोहल्ले वाला कोई भी, अगर ये इंडिपेंडेंट विटनेस आपके केस में वाइफ की तरफ से हैं तो आपका जीता जुआ केस में बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लोग, ये याद रखिए दोस्त। इंडिपेंडेंट विटनेस की बहुत अहम भूमिका होती है 498 केस में। जी हाँ दोस्तों, इनको क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल वकील से नहीं, अगर एक्सपर्ट वकील जो अच्छे से बहस करने वाला वकील होता है वही इन लोगों को चैलेंज कर पा सकता है, नहीं तो अच्छे अच्छे वकीलों को नहीं कर पाते इनको चैलेंजिंग। क्रॉस एग्जामिनेशन जब इनका होता है कोर्ट में, जब बहस होती है तो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं उनका काफ़ी अहम रोल होता है वैसे भी केस में, और उनसे बहस करना, उनको झूठा साबित करना एक एक्सपर्ट एडवोकेट का ही काम होता है वो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपके केस में जो जीता झूठा ही भले वो झूठा केस है, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड विटनेस की जगह इंडिपेंडेंट विटनेस, आपके घर के ही विटनेस, आपके कोई भुआजी हो गई, आपके कोई रिलेटिव जो आपकी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी वाले जिसने जो क्राइम सीन है, जो आप घटना घटी है, जो आपका परिवार वहाँ रहता है, तो आपको बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। आपके केस में अगर आपके केस में ऐसे विटनेस है तो भैया इनसे तो आप लोग कैसे कुंभ इनका तोड़ निकाल लीजिए पहले ही, ऐसे कोई भी अगर आपके पास है तो आप इनका तोड़ निकाल लीजिए, नहीं तो फिर आपको बहस अच्छे से करनी पड़ेगी कोर्ट में और इनको झूठा साबित करना ही पड़ेगा आपके इनके खिलाफ। आपको जैसे मान लीजिए आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको भाई, कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी ने गवाही दी कि साहब मैंने देखा था इनके साथ मारपीट होते हुए, पुलिस थाने में जाके आ गया, वही जाके कोर्ट में कुछ मिस्टेक, भैया फिर तो उसके स्टेप टू स्टेप को पकड़ना पड़ेगा, सरकारी वकील के पास वो अलग एक एफिडेविट दे रहा है, अलग विटनेस दे रहा है, वहाँ पे अलग गवाही दे रहा है, उनको जो डिफरेंट होता है उसको पकड़ना पड़ेगा आपको, या फिर उस घटना स्थल पर जैसे आपकी घटना घटी वहाँ पर दो पड़ोसी है, एक आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वहाँ पे था ने फिर भी वो आपको दुश्मनी निकालने के लिए वो आपके खिलाफ गवाही दे रही, तो आप उस दूसरे वाले को जो मौजूदा वहाँ था उसको उसके खिलाफ में ले जाना पड़ेगा आपको। बड़ी मेहनत होती है दोस्तों इंडिपेंडेंट विटनेस को, एक प्रॉपरली मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, मैं दोनों पे ही वीडियो बनाऊंगा, विटनेस पे जो अहम रोल होते हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा दोस्तों, कि ऐसे इनकी बहस होती है, कैसे इनको आप खारिज चैलेंज कर सकते हो, कैसे आप इनको झूठे साबित कर सकते हो, मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं फिलहाल यही समझाऊँ कि इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं जो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, नहीं ये दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके केस में हो रहे हैं और आपकी दुश्मनी वाले हैं तो उसका क्या तोड़ होता है अगले पार्ट में बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।